बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। वो इसलिए क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के वक्त अब देखे बहुत कम बचा हुआ है। तैयारियों में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी लगी हुई है, अन्य पार्टियां भी लगी हुई है, लेकिन इस बार का चुनाव कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए, ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी जुड़ चुके हैं। मूलचंद शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर पर सर आपका। चित्रा जी, मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि ये चुनाव बीजेपी के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए और इस चुनाव के परिणाम आने वाले समय में देश के इतिहास में विकास को गति देने और हरियाणा हमेशा केंद्र के साथ चल रहा है और हरियाणा हर क्षेत्र में नंबर वन है, चाहे सोच में नंबर वन, खेलने में नंबर वन, किसान में नंबर वन, जीएसटी में नंबर वन और देश की सीमाओं पर हम दसवा वोट की बात में दो लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। अगर सोच की बात करते तो हरियाणा का व्यक्ति सोच और केंद्र के साथ हरियाणा का व्यक्ति चलता है कि विकास को गति देता है कि हरियाणा का विकास केंद्र के साथ होता है और विकास को गति देने के लिए हरियाणा के लोगों मन बना रहे हैं कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र के साथ प्रदेश की जनता और इस सोच के बल के साथ हरियाणा का। ठीक है, आपने बोला कि जनता का मन बना हुआ है और इस बार एक बार फिर से बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनेगी, लेकिन सर सवाल जो है वो लगातार ये किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए, जो वोट प्रतिशत, वोट शेयरिंग जो हमने देखा, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण रहेगा सरकार बनाने में। तो ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए बीजेपी के सामने इस बार के चुनाव में? नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ सुधार भी कर और इसमें मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी अगर कोई चीज उनसे विशेष होता है तो और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बने हर कोई प्रसिद्ध है उसको पूरा करने का हम सब प्रयास करें। आम व्यक्ति चाहता है कि हरियाणा भारतीय जनता और आने वाले विकास के लिए, आने वाले देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए, किसान के लिए, व्यापारी के लिए कि तब केंद्र और प्रदेश में सरकार भी तभी प्रदेश में आ सकती है। ठीक है, आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने इस बार एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर आपको उतारा और ये कोशिश कह सकते हैं या फिर एक उम्मीद कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं विधानसभा के चुनाव में इस बार उम्मीदें आपसे भी हैं। लेकिन एक सवाल जो जनता भी ये जानना चाहती है कि आप विधानसभा चुनाव तो लड़िएगा लेकिन आपने अपने क्षेत्र में क्या काम किया है, आपने अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के क्या काम किया है जिसके जरिए आप जनता को ये बता पाएंगे कि हमने ये काम किया और आप बीजेपी को और हमें वोट। चित्रा जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मेरी विधानसभा की आपने बात की है, जिस विधानसभा से मैं विधायक हूँ और दो बार बंदरपुर देव ने मुझे विधायक किया है, 2014 विधायक किया, 2019 में विधायक बनने का था और जो जनता की जो उम्मीद थी, जो लोगों का भरोसा विश्वास था, आज ये जो 40 साल के इतिहास में बंदरपुर के गौरी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर जी उनके लड़के नायब सिंह इस प्रदेश के मुख्यमंत्री तीन तीन कॉलेज कल्याण विधानसभा में आज ही मान के चलता हूँ, फ्रांसिस्को स्वराज के नाम से कॉलेज बनाया, एक शहीद भगत सिंह के नाम से कॉलेज बनाया और तीसरा कॉलेज मोहना गांव में बनाया जो विधानसभा। आज मेरी विधानसभा में इस बात की खुशी की 40 साल के इतिहास में दो कॉलेज है और 40 साल के इतिहास में 10 सकूलों की जहाँ बिल्कुल 10 लाख के 15 लाख शिक्षा के क्षेत्र की बात करूँ, मैं आपको फ्लाईओवर की बात करूँ, एक नहीं दर्जन भर पुल बनाए और 215 पुल का एलिवेटेड पुल का काम चालू है मेरी विधानसभा। रेलवे के 2 अंडरब्रिज हमारे पास है, उसका काम चलने वाला टेंडर है,
मैं कहता हूँ कौन से ऐसे ऑडिटोरियम में रेस्ट हाउस में कौन सा ऐसा नहीं जो 5-10 साल के रीजन में, और जहाँ लोग पीने के लिए पानी मिलता, चलने के लिए रास्ता है, चलने के लिए सड़क थी, 6-6 फुट पानी भरा रहता था, लोग कहते मरवा के बाद आज जाके देखे लोग जानते हैं, और मैं दावे के साथ कर पन्नर की तमाम लोगों को सीवर से पानी से सड़क से लाइट से आज व्यक्ति कहता है कि जो 40 साल में नहीं हो पाया वो 9.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और जाके देखिए जहाँ जो लोग जिन लोगों की जमीन एक बार 75 एकड़ जमीन जो थी जिसमें सरकार का होता था उसको डीनोटिफाई करा, जहाँ हजारों मकान थे, लोग कहते थे हमारे मकान उन सबको मलकत देना काम करा, 75 एकड़ जमीन की मलकत देना काम करा। आप जाते विधानसभा कहीं बड़ौदा एक्सप्रेस है, बंदे एक्सप्रेस के नाम से है, कहीं सारी रोड होते थे गुड़गा वगैरह के रोड से एक नहीं अनेक रोड होता जहाँ लोगों ने छठ कर रखा किया, और आज बनौर शहर को एक सब कुछ हो गया, पर बहुत कुछ हुआ, बहुत लोग पुलिया मांगा करते थे, लोग पुलिया पुलिया गिरवा दो, आज लोग बल्लड गुरु फैलोर की बात करते, बल्लड के लोगों बेटियों को बाहर नहीं भेजा करते थे, आज दो दो कॉलेज बल्लौर में बेटे थे, इससे पढ़ा लीजिए सर, और तीसरा अग्रवाल भी है, एक नहीं आती तीन कॉलेज हमारे पास है, आज बल्लड की शिक्षा की बात करें, चिकित्सा की बात करें, शिक्षा में जाकर देखते हुए एक हॉस्पिटल का और मेरे घर सामने 2013 में 2013 कांग्रेस के समय भी जीवी उसको मुक्ति दिलाने का काम करा, लोगों ने 2013 में जो डिस्ट्रिक्ट करा गए थे आपके चहेतों पर थोड़ा चले गए उससे मुक्ति काम किया, और बल्लभ विधानसभा में जितना जहाँ लोग तरीके से समाप्त हो गया, और आने वाले समय में जो 7 बड़े रेलवे जो काम चला हुआ है उसका पानी भी बल्लभ रेलवे के क्षेत्र को मिला था, आज भी पानी को लेकर सकता हूँ पानी की पूरी समस्या को नहीं, आने वाले समय में आप बल्लभ का पानी आज 8 एमएल की बनने में फालतू पा रहेगा रेलवे की सुरक्षा हो जाएगा, कि बनवट के विकास को हम सब लोग गति देने का काम करें, के काम पर होगा जो सुविधा आयुष्मान चलाइए राशन कार्ड एक नहीं अनेक योजना जो मुख्यमंत्री चलाएंगे उन सबको धारकों को काम देता हम सब लोगों ने काम किया है, आज बनवट के लोग बनवट की राजा राष्ट्रीय ऐतिहासिक नगरी क्या राजा राष्ट्रीय 1857 में जो फांसी के पंडित बन गया था उसकी रानी की छतरी को उसमें 2.5 करोड़ लगा देता, हमारी सरकार ने काम किया, ठीक है शर्मा जी आप बहुत आपने बहुत उपलब्धियां गिनाई हैं बीजेपी की कि आप लोगों ने इन 10 सालों में क्या किया है, इन 5 सालों में आपने क्या किया है और आगे क्या लक्ष्य है आप लोगों का, आपने सब गिनाया, लेकिन एक जो आवाज उठ रही है कई लोगों की तरफ से वो ये कह रहे हैं कि भाई सत्ता विरोधी लहर जो है वो हरियाणा में चल रही है, अब ऐसे में आप लोगों ने 10 साल तो शासन कर लिया लेकिन आने वाले वक्त में बीजेपी शासन दोबारा नहीं कर पाएगी, तो इसका जवाब आप उन लोगों को कैसे देंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी ये सवाल उठा रही है क्योंकि सत्ता विरोधी लहर चल रही है हरियाणा में। चित्रा जी आपके माध्यम से एक बात मैं कहना चाहती हूँ, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार कब कल्पना थी, हरियाणा में अपने भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, 2019 में सरकार बनाने का काम किया, गुजरात में लगातार आज चार बार सरकार बनी है, चौथी बार सरकार है कभी कलपटा थी, और हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार कभी कलपटा थी, तो इसलिए हरियाणा की कलपटा हरियाणा का परिणाम जो होता है जो विरोधी लोग कहते हैं कि बेरोजगार हो चुके हैं उनकी पीड़ा इस बात की है अपने बेटा को अपने पुत्र को अपने रिश्तेदार को कैसे नौकरी मिलेगी, अपने लोगों को कैसे नौकरी देना काम करेंगे, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब से लेकर लोगों को मैं ना खर्ची ना पर्ची हरियाणा में आज बैठ के योग्यता के आधार पर नौकरी है, आज हरियाणा भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है, कि कांग्रेस के मंत्री तो बात करते हैं कांग्रेस के 14 चलाए थे 19 चलाने काम कर रहे हैं,
हरियाणा का व्यक्ति चुप बहुत रहता है, हरियाणा का व्यक्ति सोच समझ के वोट डालता है। हरियाणा में कुछ लोग हैं जो बात भी कहते हैं कि हरियाणा में सत्ता परिवर्तन होगा, एंटी कम्युनिस्ट। हरियाणा में दर्जन भर जा आप हाईवे देखिए, कौन से कॉरिडोर देखिए, आप B-152 देखिए, आप बड़ौदा एक्सप्रेस देखिए, आप सोना एक्सप्रेस देखिए, रेवाड़ी एक्सप्रेस देखिए, आप सहारनपुर एक्सप्रेस देखिए, एक नहीं अनेक है, पानीपत एक्सप्रेस देखिए, एक नहीं अनेक के दर्जन भर एक्सप्रेस। हर जनता को पता है कितने हाईवे हरियाणा से निकले, स्टेट में कितने निकले हैं, कितने रेलवे पे काम हुआ है। ये लोग जो कहते हैं ये कब हुआ, भारतीय जनता पार्टी 3 प्रदेश की सरकार थी, इन लोगों के कहने से नहीं होगी। हाँ, व्यक्ति गरीब व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को पता है कि हरियाणा में कोई कब्जा नहीं, किसी की कमीन पे जमीन पे कब्जा नहीं, किसी किसान की जमीन को कोई मात्र 16 लाख लूटते थे, आज तब जमीन देते हैं। जब किसान अपनी मर्जी से जमीन देता है तब किसान को, इनकी तरह नहीं है, मित्रों की तरह, जो इन्हें जबरन किसान की जमीन पर एक्वायर करने का काम किया। आज किसान को देखिए 25% MSP का हमने देने का काम किया। उनकी सरकार किसानों की बात करती है ओलावृष्टि के नाम से, ओलावृष्टि के नाम से, खराबा के नाम से। हमारी सरकार ने देने का काम किया 2018 का, क्या सुनाइए कि हरियाणा में 1200 करोड़ सफेद मक्खी के नाम 900 करोड़, ये हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने, ये बताइए क्या दिया किसान की जो दुहाई देने का काम करते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी कि हरियाणा में आम व्यक्ति को राहत मिली है, किसान को, मजदूर को, व्यापारी को, पढ़े लिखे नौजवान को। आज पढ़ा लिखा बच्चा कहता है आज कोचिंग सेंटर में जाकर देखिए आज भीड़ लगी हुई है, मैं पढ़ूंगा तो हरियाणा में नौकरी लगेगी, MLA MP मुख्यमंत्री नौकरी लगेगी, नौकरी लगेगी, शिक्षा के नाम से लगेगी। अगर शिक्षा, शिक्षा को हमने कभी शिक्षा का दुरुपयोग, शिक्षा पढ़ाने का बेटा ही बेटी नौकरी होते हैं, ये हरियाणा का परिणाम है। पढ़े लिखे इंजीनियर, पढ़े लिखे डॉक्टर टॉपर है, पढ़े लिखे सब है, जो टॉपर 97, 98, 99, 100 इस तरह के जो बच्चे टॉपर उनको आज हरियाणा में नौकरी मिली। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, इसलिए सरकार आएगी जो ट्रांसफर के नाम से उद्योग हरियाणा में हुआ करता था, ट्रांसफर मास्टरों के नाम से ट्रांसफर। हमने उस उद्योग को बात कर जो पूर्व की सरकार में जो उद्योग था जो ट्रांसफर के नाम से पैसे की उगाई उसको लगाम लगाने का काम करा, इस तरह के भ्रष्टाचार के अनेक आंकड़ों पर, इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। क्योंकि इसे लोग हमें 3 धड़े हैं, इसका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री, इनकी एक संतन इनका नहीं, राय इनकी नहीं, पुत्र भाव में फंसे हुए हैं, मेरा बेटा बनेगा, मेरा बनेगा। और हमने 36 बिरादरी के लोगों को साथ लेकर चल दिया, हरियाणा में एक भी बिरादरी का आदमी कहते, विकास के क्षेत्र में हरियाणा के 22 जिलों में एक भी जिले में विकास की छड़ी में तो हरियाणा में कमी नहीं छोड़ी। इससे भारतीय जनता पार्टी की 3री बार हरियाणा में 2024 में सरकार बनी। ठीक है, आपने बोला कि इस बार भी सरकार हरियाणा में BJP की ही बनेगी, लेकिन अब सवाल देखिए ये भी है कि एक नैरेटिव जो विपक्ष लगातार सेट करने की कोशिश कर रहा है, ये हमने देखिए लोकसभा चुनाव में भी देखा। पहला सवाल तो ये उठ जाता है कि 5 सीटों का नुकसान BJP को हुआ है, ये आपको मानना भी पड़ेगा। अब क्या आपको लगता है कि भाई जो लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट था वो विधानसभा चुनाव के विपरीत होगा, बिल्कुल नहीं होगा, और अगर विपक्ष का सेट किया हुआ नैरेटिव इस बार विधानसभा चुनाव में काम कर गया तो फिर क्या करेंगे? जो हमसे अगर कोई चूक हो जाए तो जानने का हम संगठन मिलते हैं, सारा संगठन मिलकर उसको तय करेंगे। कौन सी चूक हमसे हुई, कौन सी चूक हमसे हुई जिससे पास है, हम एक एक चीज एक एक बिंदु पर संगठन के लोग काम करेंगे। हर परिवार ये है, संगठन की मंत्री है या मुख्यमंत्री है या नेता जी है, ये सारे लोग आज संगठन में काम करेंगे। हरियाणा में सरकार को हरियाणा के विकास को, विकास की गति देने का काम करेंगे। हर बिंदु पे आज हरियाणा में काम हो रहा है, तो इसलिए क्या है कि उस बात को बनाने का काम हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी करेगी। ठीक है, अब जननायक जनता पार्टी का साथ छूट गया, उसके बाद ये भी कहा गया कि भाई BJP को देखिए पता था कि ये बहुत बड़ी चुनौती है, शायद इसीलिए मुख्यमंत्री फेस आपने बदल दिया, आपके सहयोगी ने आपसे नाता तोड़ दिया। इन सारी चीजों को आप BJP हरियाणा में कैसे सेट करने वाली है, क्योंकि जनता के मन में भी कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर है, सत्ता विरोधी लहर को लेकर के पहली बात, और दूसरा ये कि भाई सहयोगी छोड़कर चले गए और आपको पता है कि चुनौती है, इसीलिए आपने मुख्यमंत्री फेस भी बदल दिया था। संगठन का है, परिवर्तन होता रहता है, आज एमपी कौन है, एमएलए कौन है, कौन मंत्री है, कौन है, ये भारतीय जनता पार्टी है, कौन मुख्यमंत्री बन जाए, कौन प्रदेश अध्यक्ष,
ये बापू बेटे की पार्टी नहीं है। हरियाणा में बापू रहेगा बेटा रहेगा, बापू रहेगा बेटा रहेगा। हरियाणा के 3 जिले तय करेंगे हरियाणा में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये हरियाणा के 22 जिले तय करते हैं। हरियाणा में हर विधानसभा के लोग तय करते हैं हरियाणा का कौन है। बहुत कहता सत्ता सत्तारूढ़ जिले जो लोग कहते हैं ये पुत्र मोह की बात है, अपनी बात करते हैं, आम व्यक्ति की बात नहीं करते, गरीब की बात नहीं करते, मजदूर की बात नहीं, कर्मचारी की बात नहीं करते। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की अगर कोई इच्छुक हुई पूरा करने का प्रयास करते और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार हरियाणा में बनने वाली है। आने वाले जब 4 अक्टूबर को 11 बजे फिर आपके चैनल से मुलाकात करेंगे, हरियाणा पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। ठीक है, आप अभी ये बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, खैर इस पर हरियाणा में इस बार क्या होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन कांग्रेस देखिए बहुत ज्यादा उत्साहित है और होना भी चाहिए क्योंकि रिजल्ट ऐसा आया जिसने कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को उत्साहित होने का मौका दे दिया है। अब देखिए कुमारी शैलजा का भी अभी हम रिएक्शन आया था जिसमें वो कह रही थी कि हम भाई हरियाणा में इस बार चुनाव मैं लड़ूंगी क्योंकि मैं इच्छुक हूँ, इस पर आप क्या रिएक्शन देंगे? पहले तो ये सारे दल इकट्ठे लड़े थे बीजेपी के खिलाफ, आपके सारे इकट्ठे लड़ेंगे, आप वाले भी इकट्ठा लड़ेंगे क्या, आती वाले भी इनके साथ लड़ेंगे क्या, क्या कांग्रेस भी लड़ेंगे क्या, क्या इकट्ठे पहले तो बीजेपी के साथ सारे मिलकर लड़े थे, अब तो सारे लड़ने वाले हैं, पता लगेगी कौन किसकी मदद करे कौन किस कहेगा। पहले तो सारे सीटीआई बड़े सारे हमारे खिलाफ बड़े थे, लड़ेंगे हरियाणा में, हरियाणा में चारों दल जो इकट्ठे रहे सारे अपने चुनाव भरेंगे अपने फार भरेंगे। हरियाणा में आने वाले समय में अजब और गजब परिणाम होने वाले हैं, देखना हरियाणा के लोग क्या करेंगे, इनसे कोई लेना दे हरियाणा का मैं फरीदाबाद कर रहे फरीदाबाद के लोग या गुड़गांव एनसीआर के जो लोग हैं जिन लोगों को नौकरी के बारे में कह दिया करते थे ये फैक्ट्रियों में काम कर लेंगे, आज हरियाणा में अगर जो इनके बच्चे पढ़े उनको नौकरियां मिली है उनके परिवारों जाके पूछिए ना, खुशियों की लहर है उनके परिवारों में, जिनके बच्चे क्या गुनाह करा था फरीदा रेवाड़ी मेमनगर पलवल के लोगों ने, इन लोगों के अपने करनाल इनके पंचकुला यमुनानगर क्यों नौकरी नहीं मिलती थी, क्यों इस क्षेत्र तक सीमित रहा था, आज लोगों को पूछिए ना नौकरियां मिली है ये किस कारण में, पहले नौकरियां करी मिलती कुछ एक क्षेत्र के लोग ही सरकार बनाते थे, आज पूरे हरियाणा में 22 जिलों में नौकरी है, गरीब का बेटा पड़ा गरीब के बेटे का नंबर आता है। इन लोगों ने जितना 40 साल जितना दुरुपयोग हरियाणा का किया है हरियाणा की जनता इनको माफ नहीं करेगी, ये खुद ही घुसे 10 साल से बेरोजगार हो पड़े हैं, 10 साल से कोई काम है नहीं, बेरोजगार है, कोई पुत्र नौकरी नहीं, बेटा नहीं, रिश्तेदार नहीं, इस तरह की बात करते हैं। अरे इनका अपना फैसला है जिसको लगाना लगाए, वो हरियाणा में तीसरा भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है, एक सवाल और है सर कि एक तरफ तो पूर्व मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा जो उन्होंने काम किया हरियाणा के लिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को हम देख रहे हैं, एक तरफ जनता ये भी कह रही है कि भाई हुड्डा साहब का भी देखिए कार्यकाल था, उन्होंने भी काम किया है जनता के लिए, तो आपको लगता है कि इस बार के चुनाव में एक तरफ बीजेपी का कार्यकाल रहा तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी का कार्यकाल रहा, तो इन दोनों को मिलाकर देखा जाएगा किसने बेहतर काम किया, 10 साल में आपने क्या किया है और इसके आधार पर इस बार कहीं ना कहीं फेरबदल और वोटिंग जो प्रतिशत शेयरिंग है वो थोड़ा बहुत बदल सकता है, ऐसा लगता है आपको? जब हाईवे पर चलते हैं, जब बैंड लगा के चलते हैं, जब कहते हैं जयपुर 2 घंटे पहुंच गए, चंडीगढ़ जब चलते हैं रोहतक से 3 घंटे पहुंच जाते हैं, जब कहते हैं बीजेपी ने रोड बहुत बड़ी बनाई, काम तो बहुत किया है, और मैदान में आते हैं तो बीजेपी का नहीं देते, जब सड़क पे चलते हैं तो बीजेपी को सरकार कहते हैं कि काम बहुत गजब है, काम भी बच्चे सिलेक्शन बहुत बढ़िया है, जबकि विधायक हमसे बात करते हैं तो पंडित जी रोड बहुत बढ़िया है, सिलेक्शन भी बहुत बढ़िया है, और जब बाहर आते हैं जब कहते हैं कि भाई बीजेपी की सरकार फेल हो चुकी है, इसलिए लोग वोट देंगे, जब वो हमसे बात करते हैं, जब वो मैदान में कहते हैं, जब पूछो बाहर पूछो, इसे वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी। इस बार के विधानसभा चुनाव में एक तरफ है जाटों की नाराजगी तो दूसरी तरफ है अग्निवीर योजना का मुद्दा, अब ये कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है भले वो माने या ना माने, क्योंकि अग्निवीर योजना का जो इम्पैक्ट था वो कहीं ना कहीं पड़ा है और शायद यही वजह है कि आरक्षण से लेकर तमाम बड़ी बड़ी घोषणाएं अलग अलग राज्यों में और केंद्र में भी आप लोगों ने की, तो ऐसा लगता है कि ये एक तरफ तो जाटों की नाराजगी है वो आपको सुलझानी होगी और दूसरी ओर अग्निवीर योजना को कैसे सुलझाएंगे आप? हरियाणा के जाट बहादुर हैं, बहादुर है देश के प्रति, जानते हैं देश की दिशा में कर रहा है,
उनको किसी जाति पार्टी से जोड़ने का प्रयास न करें। जाट देश हित में काम करता है, प्रदेश हित में काम करता है, विकास हित में काम करता है। ये कुछ लोग हैं जो कुछ लोगों का है नहीं, जाति के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, जाति के नाम का नारा देना चाहते हैं, किसान के नाम का नारा देते हैं। किसान भी खुश है, हरियाणा के जाट भी खुश है, हरियाणा के हर व्यक्ति खुश है कि विकास की गति को देखते हुए उनके बच्चे डेवलप लगते हैं, उनके बच्चों को सम्मान दिया मिलता है, राज्य के क्षेत्र में सम्मान है। और कोई नहीं, कुछ लोग इस तरह के जातिवाद की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी जातिवाद की बात नहीं करती, 36 बरादरी को साथ लेकर चलती है और 36 बरादरी के साथ काम करती है। अग्निवीरों के साथ जो गेंद ने फैसला किया है, जो प्रदेश ने फैसला किया है, अग्निवीरों का जो फैसला एक ऐतिहासिक फैसला किया है और ऐतिहासिक आने वाले समय के लिए इसके परिणाम आने देश की जिंदगी कोई नाराज नहीं है। ये खुद जो प्रचार करते हैं, जो ठेकेदार जाति के जो ठेकेदार बनते हैं, वो इस तरह का प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं, जो जाति की ठेकेदारी लेते हैं। आपको ठेकेदारी जाति की नहीं चलेगी प्रदेश में, प्रदेश में चलेगी विकास की चलेगी, गति की चलेगी, आम व्यक्ति और हरियाणा को विकास को गति देने का काम, गति की बात चलेगी। जाति पाति उनको लेने देनी है, हरियाणा प्रदेश के विकास को गति की बात। ठीक है, एक आखिरी सवाल है सर, इस बार के चुनाव में सीएम फेस कौन होगा, नायब सिंह सैनी या फिर कोई अलग चेहरा, नया चेहरा? देखो, अमित शाह जी ने कहा है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और के नेतृत्व जो सेंटर कहता है, जो सेंटर कहता है वही तय माना जाता है। नायब सैनी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, उनके नेतृत्व में, और नायब सैनी आज प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री। ठीक है, आपने तमाम बड़ी उपलब्धियां बीजेपी की, हरियाणा सरकार की आपने गिनाई। हम भी उम्मीद करते हैं कि बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हिंदी खबर को समय देने के लिए और तमाम जानकारी सारी चीजें साझा करने के लिए। तो हरियाणा में देखिए विधानसभा चुनाव है जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस लगातार आमने सामने है। स्थिति क्या होगी, चुनाव में इस बार जीत किसकी होगी, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चर्चा में इतना ही, बनी रही हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।